हमारी एक पत्नी है। अच्छा, एक पत्नी मतलब अभी अभी एक है, भविष्य किसने देखा? सब कहते, पूरी दुनिया कहती कि किसी को अपना भविष्य नहीं पता, हमको भी अपना भविष्य नहीं पता। तो हमारा जब पहली बार विवाह हुआ, देखो इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, जब इस देश में 80 साल के बुजुर्ग मांगलिक कार्यक्रम कर सकते हैं तो हम अभी क्यों उम्मीद ना करें। हमको भी 90-110 साल जीना है तो उस उम्र में अभी कुछ भी हो सकता है, हम अभी से क्यों ठेका ले लें। तो हमारी पत्नी ने कहा कि आप हमारे सौंदर्य में कुछ कहिए। तो पहले सर क्या था कि हम जैसे साइकिल से पढ़ने जाते थे तो जिधर से सौंदर्य गुजरता था उधर हम साइकिल की चैन चढ़ाते थे बैठ के, तालियां बजाते जाओ, देखो जहां बात है। अच्छा आप देख लीजिए, मीरा बाई से लेकर के आज तक किसी ने पुरुष के सौंदर्य में एक पंक्ति नहीं लिखी, नहीं लिखी कि हमारे पुरुष की या हमारे पति की मूछे झाड़ू जैसी, टांग बगुले जैसी, कहीं कुछ। हमने अच्छे उल्टे सीधे थोबड़े को भी चंद्रमा बताया। तालियां बजाओ। कि अगर हो पास वो तो हिचकियां अच्छी नहीं लगती, यह आप लोगों की यूएसपी है। कि अगर हो पास वो तो हिचकियां अच्छी नहीं लगती, बिना मौसम के बादल बिजलियां अच्छी नहीं लगती। मिले रेस्पॉन्स तो लड़के बहुत तारीफ करते हैं, मिले रेस्पॉन्स तो लड़के बहुत तारीफ करते हैं, जो ठुकरा दे इन्हें वो लड़कियां अच्छी नहीं लगती, जो ठुकरा दे। देखो पहले जैसे मजनू और ही और हीरो वो फलाने धमाके होते धमाके। हेलन 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 की बात कर रहे हो कि धमाके? अब जो है उस तरह के बेवकूफ आशिक नहीं बचे हैं। हाँ। इनको भी पता है कि सिम कार्ड कितने दिन यूज करना है, निकाल के फेंक देना है। ये तनाराज पूजनते हैं रमनते तत्र देवता, वो हमें ने लिखा था। और हाँ। सुनो और वो हमें ने लिखा, हम नौ रात्रि में व्रत रह के नौ रात्रि समर्पित किए हैं सम्मान के लिए। क्या बात है। एक रात्रि हमको मिली है शिव रात्रि, उसमें भी धतूरा चढ़ाया जाता है। अंधेरा ढक ले सूरज को, उजाले की खता क्या है, लगी हो सेंध दीवारों में, ताले की खता क्या है। वाह। किसी के रूप की मदिरा नशे से भी नशीली हो, कोई पीकर के मर जाए तो प्याले की खता क्या है। क्या है, क्या बात है। बहुत मर जाए बढ़िया। तो हम वो आपको बता रहे चैन चढ़ाया करते थे, पर जब से ये बाबा जी की सरकार आई है नहीं वाह बहुत बढ़िया, तब से क्या है सौंदर्य के प्रति विचार बदल गए। आप गलत समझ रहे हैं, अब साइकिल की चैन अगर उतरी हुई है तो साइकिल लेके भागना पड़ता है अगर सौंदर्य आ रहा हो तो। पहले के कवि थे तो उनको गालों में गुलाब दिखता था, होठों पे कमल दिखता था, बालों में बादल दिखता था, चाल में हिरनी दिखती थी। पर अब क्या है, अब सौंदर्य बदल गया, रूप मतलब बोध बदल गया।